हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब एक्लोनी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने विंडोज 10 लैपटॉप, विंडोज 10 टैबलेट या विंडोज 10 में आप किस तरीके से स्क्रीन रोटेशन को कैसे टर्न ऑन या टर्न ऑफ कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, रजिस्ट्री एडिटर द्वारा ये चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आपको सिंपली अपने सर्च में सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर और इसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके जो है आपको रन करना होगा। ये विंडोज़ रजिस्ट्री का बहुत स्ट्रांग टूल है, आपको बाई डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर जो है देखने को मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट टूल है, ठीक है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्री एडिटर ओपन होते ही यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपको जो है पहले ही इसके अंदर कोई बैकअप ले लेना है। अगर आप जो है यहाँ पे इस टूल के साथ नए नए इंटरेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जो है बैकअप जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करना है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा एच की लोकल मशीन, आपको इसके ऊपर जो है क्लिक करना है और उसके बाद जो है इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है सॉफ्टवेयर का, इसको जो है आपको ओपन करना है और इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हमें मिल गया। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको सर्च करना होगा विंडोज़, तो स्क्रॉल डाउन करके जो है सर्च कर लीजिए। विंडोज़ जो है W यानी लास्ट में आएगा अल्फ़ाबेट, तो आप जो है सीधा लास्ट में जाके जो है सर्च कर सकते हैं विंडोज़। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है विंडोज़, तो हम पहुँचने वाले हैं बस W पे, तो यहाँ तक आ गए हम। यहाँ पे आपको जो है बहुत केयरफुली जो है सर्च करना है, ऐसा ना हो कि आप जो है गलत सेटिंग में जाके अप्लाई कर दें। तो देखिए हमें यहाँ पे विंडोज़ जो है मिल चुका है, ये रहा विंडोज़। अब विंडोज़ के अंदर जो है आपको यहाँ पे ढूंढना होगा करंट वर्जन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा करंट वर्जन शो हो रहा है। अब इसके अंदर जो है अब आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नाम है ऑटो रोटेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑटो रोटेशन हमें मिल जाएगा, ए से स्टार्ट है अल्फ़ाबेट तो हमें स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं हमें मिल गया ऑटो रोटेशन। अब इसके अंदर जो है फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो है आप ऊपर का पाथ को अच्छे से देख लीजिए, इसी पाथ पे जो है हमें आना है। तो यहाँ पे देखिए इनेबल का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल रहा है, राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 आपको देखने को मिलेगा, 1 मतलब ऑन। तो अब आपको यहाँ पे 1 की जगह 0 कर देना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, 0 मतलब हो गया ऑफ, यहाँ पे कर देता हूँ ओके। और वापस से जो है आपको इसको जो है बंद कर देना है, आपकी इच्छा है बंद करना है कर दीजिए, नहीं करना मत कीजिए, लेकिन मैं जो है अपने केस में इसको बंद कर लेता हूँ। इसको बंद कर देने के बाद जो है आपको इसको बंद कर देना है और एक बार रोटेट करके देख लेना है रोटेट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार जो है आपको अपने कंप्यूटर को जो है रीस्टार्ट कर देना है, उसके बाद जो है आपकी ये प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सभी ने मेरे को अभी तक सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।